से रूप जिए नारायण कृष्ण ने, शौर्य भी दिखाया, बचपन भी दिखाया, मित्र का धर्म भी निभाया। बंसी उठा ली नारायण कृष्ण ने कि सारी दुनिया को मधुर कर दूं, सारी दुनिया में मधुरता का संचार कर दूं। ऐसी बांसुरी। एक बार रुक्मणी ने पूछा कृष्ण से कि नारायण क्या तुम बंसी 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 करते रहते हो, काली कलूटी छेद वाली, हम इतनी सुंदर गोरी गोरी 24 घंटे अधरों पे बांसुरी लगाए रहते हो, ऐसा क्या है बांसुरी में जो हम में नहीं है, ऐसा क्या प्रेम है तुम्हें बांसुरी से। नारायण कृष्ण ने कहा कि रुक्मणी तुम नहीं समझोगी, बांसुरी जैसी तो कोई दुनिया में चीज ही नहीं हुआ करती। क्या है बांसुरी में? बांसुरी में बहुत खासियत है रुक्मणी, समझाओ हमें। सत्यभामा आ गई, जामवंती आ गई, सब आ गए, हमें समझाओ। गोपियां आ गई जिन्होंने बांसुरी चुराई थी कि कान्हा पहले बताओ बांसुरी में क्या है, तब बांसुरी मिलेगी, वरना मिलने वाली नहीं। कान्हा ने कहा सुनो तुम लोग सुन नहीं पाओगी, बांसुरी तुम लोगों से बहुत ज्यादा अच्छी हुआ करती है। बोले क्या अच्छापन है उस बांसुरी में? बोले पहली अच्छाई तो उसमें यह है कि वो बिना बोले बुलवाए बोलती नहीं है, समझ गए? और ये लोग समझ गए क्या, बांसुरी को जब बोलो तभी बोलेगी, और ये जय हो पंचम काल की। किस्मत है कि हमारी सभा में चुप बैठी है। ध्यान रखिए, पहली अच्छाई तो उसकी ये है। दूसरी अच्छाई सुनो रुक्मणी कि बांसुरी जब भी बोलती है मीठा बोलती है। ये खाती तो मीठा मीठा है, बोलती तीखा तीखा। बांसुरी जब भी बोलेगी तो मिठास भर करके बोलेगी। और तीसरी खासियत सुनो कि बांसुरी में पोली है, उसमें कोई गांठ नहीं होती है। रुक्मणी समझ गई क्या रुक्मणी हो, तुम में बड़ी गांठ होती है। एक बार बैर हो जाए तो जिंदगी भर नहीं बोलती है। घर को उजाड़, घर को लड़ा दे, भिड़ा दे, आपस में बेमस्ताएं, बैर की गांठ जो बंद गई तो बंद गई, बांसुरी में गांठ नहीं होती। और मेरे एक बात और ध्यान रखो, बांसुरी इधर से सुनती है, इधर से निकालती है, और रुक्मणी तुम दोनों कान से सुनती हो और मुंह से। ये अंतर है बांसुरी में और नारी में, ध्यान रख। ये दोनों से सुनती हैं और इधर से बक 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 फिर निकाल दिया करती हैं। और एक बात ध्यान रखना, बांसुरी बजने के बाद भी काफी लंबे समय तक अपनी स्मृतियां छोड़ जाती है, और तुम बजने के बाद ये दूसरी की तलाश करने लगते। सोचिए, विचार करिए, स्मृतियां। बांसुरी बड़ी महान है, बांसुरी बड़ी मीठी है, जब भी बोलेगी मीठा बोलेगी, और तभी बोलेगी जब बुलवाएंगे। और बांसुरी के भीतर कोई गांठ नहीं होती है। और मैं आपसे कहता हूं कि अपने भीतर की सारी ग्रंथियां और गांठ तोड़ दो, कृष्ण तुम्हें बांसुरी की तरह अधरों पर रखने को तैयार हो जाएंगे। अपनी जिंदगी बांसुरी जैसी बना लो, हर महापुरुष तुम्हें लेने को तैयार हो जाएगा। और आपसे एक ही निवेदन है, बांस एक ही है, उसी बांस से अर्थी बनती है और उसी बांस से बांसुरी बना करती है। और यदि सत्संग में आ गए, धर्म ध्यान के एक स्वर दे दिए, तो तुम्हारा जीवन बांसुरी हो जाएगा, वरना अर्थी का बांसड़ा तो बना बनाया जी रहा है, जिंदगी में कुछ भी हाथ आने वाला नहीं। अर्थी के बांस बनो या कृष्ण की बांसुरी बनो, ध्यान रखो।